हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आप लोग को पता है कि कार सेलर सिमुलेटर में ये शोरूम अपडेट का ऑप्शन बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी तक नहीं आया है। और आपने अपना प्ले स्टोर भी बहुत बार खोल के देख लिया लेकिन आप लोग को ये अपडेट देखने को नहीं। तो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग ये शोरूम अपडेट का ऑप्शन कब तक देखने को मिलेगा। और गाइस आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोल लेते हैं कि अभी तक प्ले स्टोर में अपडेट देखने को नहीं। गाइस मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि हमारे गेम के अंदर ये ट्रैफिक वाला अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि प्ले स्टोर में अपडेट आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्ले स्टोर में अपडेट अभी तक नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि गाइस पर कोई बड़े अपडेट की तैयारी कर रहे हो इसलिए उन्हें इतना ज्यादा टाइम लग रहा अपडेट देने में, इसलिए आप लोग को अभी तक प्ले स्टोर में अपडेट देखने को नहीं मिला। तो गाइस ये मैंने ऐसा सोचा है लेकिन गाइस क्या पता डेवलपर इस अपडेट को ना भी देना चाहते हो, बाद में देना चाहते हो, लेकिन गाइस मैं कंफर्म नहीं हूं, ऐसा मुझे लगा। तो गाइस मैंने आप लोग को बता दिया। गाइस बहुत ज्यादा चांस है कि गेम के अंदर कोई बड़ा अपडेट आएगा तो गेम का साइज भी बढ़ सकता है। तो गाइस बात कर लेते हैं गेम के अंदर आने वाले कुछ अपडेट के। तो गाइस सबसे पहला अपडेट हमारे निकल के आ रहा है ट्रैफिक। गाइस ये जो ट्रैफिक वाला अपडेट है हमारे गेम के अंदर अभी तक नहीं आया। गाइस आप लोग को पता है कार फॉर सेल के अंदर आया हो, गाइस एक और गेम है ये ट्रैफिक वाला अपडेट के अंदर आया है। गाइस अगर ये ट्रैफिक वाला अपडेट हमारे गेम के अंदर आ गया तो गाइस आप लोग को गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस मैं ये बात आप लोग को एडवांस में बता देता हूं, गाइस हमारे गेम के अंदर ये ट्रैफिक वाला अपडेट आ गया, अगर गाइस आप लोग रोड पे कोई गाड़ी चली होगी उसे जाके ठोक दोगे तो आप लोग के कार में ही डैमेज होगा। और गाइस मैं आप लोग को दूसरी बात भी एडवांस में बता देता हूं, गाइस हमारे गेम के अंदर ये ट्रैफिक वाला अपडेट आ गया तो गाइस बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को थोड़ा बहुत गेम के अंदर लैग देखने को मिल जाए। तो गाइस मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग को ट्रैफिक वाला अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके लिए आप लोग को 2 वीक तक तो इंतजार कर लेना। गाइस बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को 2 वीक अंदर ये अपडेट देखने को मिल जाए। गाइस अपडेट बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए गाइस डेवलपर को बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी और उनको ये भी देखना पड़ेगा गेम के साथ कोई ग्लिच और बग ना आ जाए। और गाइस डेवलपर का सबसे ज्यादा टाइम कोडिंग करने में ही जाने वाला है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट। आप में से हर एक बंदा मुझसे बस यही पूछे जा रहा है कि हम लोग को शोरूम अपडेट का ऑप्शन कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस आप लोग ने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो भी देख ली और आप लोग को ये अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला। अगर गाइस आप लोग को याद होगा तो डेवलपर बहुत ज्यादा पहले से बोलते आ रहे हैं कि आप लोग को शोरूम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लेकिन आप लोग को अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन गाइस आगे बताने से पहले आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा जल्दी 6K होने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना। गाइस आप लोग को याद होगा कि लास्ट अपडेट 9 तारीख को आया था, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है डेवलपर कोई बड़े अपडेट की तैयारी कर रहे हो और उन्हें कोई बड़ा अपडेट देना, इसलिए डेवलपर ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया। तो गाइस बहुत ज्यादा चांस है कि आप लोग को जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अंदर आप लोग को शोरूम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। गाइस अगर आप लोग को अपडेट फिर भी देखने को ना मिले तो गाइस आप लोग लास्ट 3 वीक तक इंतजार कर लेना, क्योंकि गाइस आप लोग को 3 वीक के अंदर ये अपडेट जरूर देखने को मिल जाएगा। गाइस इसके अलावा डेवलपर की तरफ से कोई और अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे क्लिक करके वीडियो को लाइक